छत्तीसगढ़ में बच्चों को स्कूल आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम का स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा बयान आया है। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम तो हुआ है, लेकिन बच्चों के स्कूल आने के हालात अभी नहीं बने हैं, लिहाजा अभी बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है। संवाददाता अखिलेश तिवारी ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हमारे साथ में, और निश्चित रूप से जानेंगे कि सबसे बड़ी यहाँ विषय ये खुल करके आ रहा है, क्योंकि बच्चों को सबसे इंतजार है स्कूल खुलने का। तो स्कूल कब खुला है, खुलने वाला है और कब तक प्रायोजन कर रहे हैं, इसके बारे में प्रथम सर्वप्रथम सवाल। स्कूल कब खुलेगा इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबके अलग अलग गाइडलाइन है और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सबसे प्राथमिकता वाली काम है इसमें, क्योंकि बच्चे अगर कोई बीमार मत पड़ जाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे क्या वहाँ पर, कई प्रकार के इस प्रकार के सवाले हैं। और कई लोगों का मानना है कि अभी स्कूल को नहीं खुलना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में जब स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई सभी राज्यों में हो रहा, अपने राज्य में भी हम लोगों ने किए हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई में जहाँ कनेक्टिविटी अच्छा है वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हो, जहाँ कनेक्टिविटी कमज़ोर है, जहाँ नहीं हो सकता है, वहाँ पर पढ़ाई तुम्हार द्वार, पढ़ाई तुम्हार पारा, तो पारा मोहल्ला में भी हमारे शिक्षक अपनी स्वेच्छा से जाके वहाँ पर पढ़ाएंगे, और ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से प्रभावित न हो। नहीं, अभी ट्रांसफ़र तो अभी नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पर तो पूरा अभी तो पूरा प्रतिबंध है, और प्रतिबंध की स्थिति में तो अभी हो ही नहीं रहे ट्रांसफ़र। अभी बिल्कुल उनकी मांगे हैं कि माता पिता का सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल उनको करना चाहिए, पर अभी कोरोना काल जब स्कूल बंद है तो अभी तो अभी अपने अपने घर में बहुत से टीचर अपने घर में हैं, जो उनकी परेशानियां हैं वो तो समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी तो अपने घर से ही जो जा रहे हैं वहाँ पर जो, और उनकी जो दिक्कतें जायज़ भी हैं, कहीं कहीं ऐसे हैं जो बीमार हैं, किसी का कुछ वो है, लेकिन चूंकि प्रतिबंध है इसलिए अभी हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, प्रतिबंध जब हटेगा तो भी विचार करेंगे उसमें। बिल्कुल निश्चित रूप से जो तबादले की बात हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो, इस तरीके से मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, और लगभग शिक्षक जो संघ है वो मिलने की प्रयासरत में भी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की तैयारी में भी है, और इस तरीके से अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन की भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी समन्वय बन रही है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के एप्लीकेशन देने के बाद भी इस तरीके से समन्वय बना रहेगा, और ऐसी आगे चल करके एक नई रणनीति से भी तैयारी करने की एक कोशिश की जा सकती है। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, एमके न्यूज, रायपुर छत्तीसगढ़।